अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल फैंटास्टिकल चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, जिसमें हम लर्न करेंगे कि अडोब इलस्ट्रेटर किस तरह, किस मेथड में यूज़ हो सकता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके आजकल वो कितना लेटेस्ट चल रहा है, उसके अंदर कितने फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, और किस तरह हम उसको अपनी डेली लाइफ के यूज़ में उसको ईजीली बना सकते हैं, और उससे किस तरह हम अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो इसीलिए कह लें कि आधे से ज़्यादा दुनिया ऑनलाइन ही कमा रही है। चलें वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले मैं आपको अडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के बारे में, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस बता देती हूँ। इलस्ट्रेटर में आपके पिक्सल डैमेज नहीं होते, अगर आप उसको जूम करते हैं, बहुत ज़्यादा जूम कर जाते हैं, तो आपके जो जो भी आपने काम किया होता है, लोगो क्रिएट किया होता है, प्रिंट का कोई काम कर रहे हैं आप, या कोई पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन बना रहे हैं, तो उसमें आपकी जो पिक्सल्स हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। बट ऑन द अदर साइड अगर हम फोटोशॉप में देखें, तो उसमें पिक्सल ख़राब हो जाते हैं। अगर आप उसमें उसकी लिमिट से ज़्यादा जूम कर देंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, उसके अंदर पिक्सल ऐसे जैसे पिक्सल डैमेज हो गया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप बेल आइकन को क्लिक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको फर्दर आगे जो वीडियोस की अपडेट्स मिले वो आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इलस्ट्रेटर ऑन करेंगे जो कि 2022 है, इस तरह आपको उसके अंदर सब कुछ शो होगा। कुछ आपके पास साइजेस बताए जाएंगे, साइड पे आपको फाइल्स भी शो हो रही होंगी, फाइल्स एडिटिंग ऑप्शन। ये आपके पास होम है, आपका ये पूरा होम पेज है। लर्न है, अगर आप उसके बारे में नहीं पता तो आप यहाँ पे जाके इसको लर्न कर सकते हैं। फिर ये आपका काम है जो आपके पास यहाँ पे सेव हुआ होता है, जो आपने शेयर किया हुआ किसी से, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। क्रिएट न्यू, एक तो होता है क्रिएट न्यू, जो आप टोटली न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर आपके पास कुछ नहीं पड़ा होता, और एक होता है ओपन। ओपन होता है कि आपका जो प्रीवियस काम होता है वो आप जाके फाइल ऑन कर सकते हैं अपने फोल्डर्स में से। ये कुछ आपके पास नीचे रिसेंटली जो आपने काम किया होता है वो शो हो रहा होता है। आप यहाँ से भी खोल सकते हैं या आप यहाँ से भी जाके खोल सकते हैं। हम करते हैं क्रिएट न्यू, जिसकी शॉर्ट की एक तो यहाँ से है और एक कंट्रोल एन है। आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट खुला है, जिसके अंदर आपके पास ऑलरेडी इन्होंने कुछ साइजेस दिए हुए हैं, और कुछ आपके पास साइजेस सेव हैं जो आप अपने साइज सेव करके रख सकते हैं कि आपको दोबारा से क्रिएट ना करना पड़े, विद इन वन क्लिक आपके पास साइज आ जाए। मोबाइल के बताया गया मोबाइल ऐप्स हैं इसके अंदर, जिसका भी हमारे पास यहाँ पे है कोई काम नहीं है। फिर ये आर्ट इलस्ट्रेटर है, जिसके अंदर आपके पास साइज गिवन किए गए हैं, जिसमें आप साइज कर सकते हैं। पोस्टर है, पोस्टर कार्ड है, पोस्टर है। अब हम यहाँ पे आते हैं तो प्री सेट डिटेल है, जिधर हम लोग अपने फाइल का नाम लिखते हैं। क्लास वन फाइल का नाम है, ये हमारे पास विड्थ है, हाइट है, ये हमारे आर्ट बोर्ड की विड्थ और हाइट है। 500 by 500 इक्वली रखते हैं। ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि किस में आपने रह के काम करना है, पिक्सल में करना है, पॉइंट में करना है, फीट में करना है, मीटर्स में करना है, फीट या इंचज़ में करना है, यार्ड्स में करना है, इट्स ऑल अप टू योर प्रोजेक्ट। हम अभी पिक्सल में रह के काम कर रहे हैं। जैसे याद रखें कि अगर आप पिक्सल में कर रहे हैं तो यहाँ से आपका ये चेंज हो जाएगा। पीटी में था पहले, पॉइंट में हमने किया था तो यहाँ पे पीटी आ गया था। हमने अब इसको पिक्सल में ऐड किया तो ये पीएक्स आ गया। ये हमारे पास लेंथ और विड्थ के हिसाब से हमारा आर्टबोर्ड को एडजस्ट करने के लिए टू ऑप्शंस दिए गए हैं। ये हमारे पास आर्टबोर्ड हैं, फ़िलहाल तो हम एक आर्टबोर्ड पर काम कर रहे हैं, बट अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा आर्टबोर्ड्स पर काम करना है, समटाइम आपके पास 3 to 4 आर्टबोर्ड्स का आपको चाहिए होते हैं, तो अब आप अलग अलग फाइल थोड़ी ना क्रिएट करके उन पर काम कर सकते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल हम 4 आर्टबोर्ड लिखते हैं तो हमारे पास 4 आर्टबोर्ड आ जाएंगे। अब हमने 1 आर्टबोर्ड लिखा है, अभी फ़िलहाल मैं आर्ट
वन आर्टबोर्ड पे काम करना है तो इसलिए हम एक आर्टबोर्ड पे काम करें। फिलहाल अभी हम एक आर्टबोर्ड पे काम कर रहे हैं, बट फर्दर आगे डिटेल्स आपको इंशाल्लाह मैं बताती जाऊंगी, इसको हम बाद में देखेंगे। RGB कलर और CMYK कलर मोड, ये दो कलर मोड होते हैं जिसके अंदर हम रह के काम करते हैं। RGB कलर में हम लोग रेड ब्लू ग्रीन कलर्स में मोस्टली काम करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं वेबसाइट के लिए, ऑनलाइन काम करने के लिए, इमेजेस डिज़ाइन के लिए। और जो CMYK कलर है ये हम लोग मोस्टली प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक हमें जब इमेज क्रिएट करनी होती है तो हम मोस्टली CMYK में इसको काम करते हैं। और जो RGB में हमारे पास SVG सेव होती हैं, जो हमारे पास हमारी क्रोम पे जाके खुलती हैं, मीन्स गूगल के पेज पे। अब हम लोग इसको छोड़ के ये भी बाद में देखते हैं। प्रीवियस मोड, जो आपने पिछले मोड पे काम किया होता है, मैंने उसे पिक्सल पे किया होता है इसलिए मैं पिक्सल ऐड कर देती हूँ। मोड सेटिंग, इसमें भी यही है, सब कुछ यही बताया गया है, साइज़ के बारे में, विड्थ के बारे में, लेंथ एंड यूनिट्स सब कुछ सेम है वही, तो इसमें कुछ इतनी घबराने वाली बात नहीं है, वही आपके पास एक एग्जैक्ट सेम बता दिया गया है। तो अब हम क्रिएट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, या क्रिएट भी करेंगे तो हमारी फाइल एक क्रिएट हो जाएगी। ओके ठीक है, हमारी फाइल, हमारा एक आर्टबोर्ड हमारे पास क्रिएट हो गया। ये हमारे पास हमारा टूल बार है जिसको हम मूव कर सकते हैं इजीली, कहीं पर भी जाके आप इसको जाके ड्रैग कर दें, ये उधर ही रहेगा बजाय आप काम करेंगे तो ये तब भी नहीं मूव करेगा, चाहे अगर इसके ऊपर हम सेलेक्ट भी कर लें या अपना कोई फंक्शन भी ले आएँ तो ये अपनी जगह पे स्टिल रहेगा। Adobe Illustrator की मुझे एक मज़े की बात यही लगती है कि आप अपने तरीके से इसको प्रॉपर सेट कर सकते हैं। अब ज़रा यहाँ पर आ जाए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लें वीडियो पॉज करके, और या देख लें आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप, मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम लोग वीडियो करें, जब हम लोग इलस्ट्रेटर डाउनलोड करते हैं तो कुछ उसके ऐसे फंक्शंस होते हैं जो वो नहीं हुए होते, ऑन नहीं हुए होते, तो हमें फिर जाके करने पड़ते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतरीन तरीका है कि आप इसको स्टार्ट में कर लें ताकि आगे जाके आपको तंग ना करें। ओके आज जो हमने सबसे पहला टूल सीखना है वो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के बारे में, सिलेक्शन टूल भी इजी टूल है, मीन्स इसका आपके काम से 99% जो काम होता है वो सिलेक्शन टूल का ही होता है। तो सिलेक्शन टूल में हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसको रिसाइज करते हैं, मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। तो अब आपको, लेकिन सिलेक्शन टूल भी तभी काम करेगा ना जब आपके आर्टबोर्ड पे कुछ बना होगा, आपके पास कुछ काम करने के लिए होगा, कुछ चीज़ें मूव करने के लिए होंगी, तभी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लेते हैं एक रेक्टेंगल जिसकी शॉर्ट की है M, उसको सिलेक्ट करते हैं। अब देखें, हमने इसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्शन टूल है, हमने इसको मूव किया। ओके ये मूव के लिए काम आ गया, जहाँ मर्जी आप इसको मूव करके ले। एक तो रेक्टेंगल बनाने का ये तरीका, दूसरा आपने जस्ट अपनी स्क्रीन पे आके क्लिक किया तो आपके पास एक छोटा सा ऑप्शन खुल गई है, छोटी सी एक पेज की ऑप्शन खुल गई है जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से इसका साइज रख सकते हैं। हम रखते हैं 60x50, एंटर किया तो इक्वली साइज मिल गया आपको। अल्ट से जूम करने का है, जूम इन और जूम आउट, अपने कर्सर के जो माउस का है इसको जूम जूम करें और जूम आउट करें। सिलेक्शन टूल से हम इसको इजीली जहाँ मर्जी मूव कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये तरीका बनाने का इक्वली, और दूसरा हमारे पास शिफ्ट है, शिफ्ट पकड़ा, शिफ्ट क्लिक किया और अपने माउस से इसको इजीली जितना मर्जी ड्रैग किया वो इजीली साइज पे हो गया। अब हम सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट किया, अब ये जो हमें छोटे छोटे जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इसको कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स, और इसके अंदर जो हमें ये छोटे छोटे से सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, बॉक्स नज़र आ रहे हैं,
इनको कहते हैं डी साइज हैंडलिंग बॉक्स। ये हम इससे अपना साइज शिफ्ट के साथ पकड़ के करेंगे तो वो एग्जैक्ट उसी साइज से होगा, उसी साइज से इंक्रीज होगा जितना है। यहाँ साइड पे हमें हमारी विड्थ और लेंथ भी बताई जा रही है कि कितनी आपकी विड्थ और लेंथ है। उसके बाद हमें इसको मूव करना है, क्लिक करेंगे और ये मूव हो जाएगा, जहाँ मर्जी आप इसको मूव करके लेके जा सकते हैं अपने आउटपुट में। दूसरा इसको रोटेट करना, ये देखिए रोटेट करने के लिए हमारे पास एक इस तरह का एरो बिल्कुल एजिस के थोड़ा साइड पे लेके आएंगे तो रोटेट करने के लिए आपको एरो ऐसे मिल जाएगा जिसकी टू साइडेड एरो होंगी। शिफ्ट के साथ पकड़ कर करेंगे तो 45 डिग्री के एंगल पे कर देगा और एग्जैक्ट उसी एंगल पे रोटेट कर देगा। हम चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट कॉपी इसकी इसके आगे सेम डिस्टेंस पे निकल आए। एक तो है कंट्रोल, दरअसल हम मूव करेंगे और छोड़ देंगे और कंट्रोल डी दबाएंगे तो उतने ही एग्जैक्ट डिस्टेंस पे आगे चलता जाएगा, उसकी कॉपीज निकलती आएंगी। दूसरा आपको सब पता है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, बट एग्जैक्ट उसके ऊपर नहीं निकला, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर पोजिशन मूव करके निकला। फिर हम करते हैं कंट्रोल जी, कंट्रोल अंडू करने का है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस शिफ्ट एंड ड्रैग। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लाइन पे अब निकला, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लाइन पे आगे आ गया। तो ये सेम बिल्कुल उसके आगे उसकी कॉपी आ गई है, एग्जैक्ट उसी जगह पे बिल्कुल इक्वली उसको अलाइन किया है कि वो ऊपर नीचे नहीं हो रही, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी साइड पे आई। अगर आप खुद सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो बेशक आप ऐसे लाइन लगा के देख लें, ये देखें सेम उसी लाइन पे आई। कंट्रोल ज़ीरो, अगर आप एक इसके थ्रू चाहते हैं कि इसी से ही आगे फर्दर कॉपीज निकलती जाएं, आपको इस तरह कंट्रोल सी कंट्रोल एफ ना करना पड़े और शिफ्ट अल्ट के साथ आगे लेके ना जाना पड़े, तो इसकी एक और मेथड है। अब हम इसको करते हैं छोटा, यहाँ पे लेके आते हैं, इसको पकड़ें और शिफ्ट अल्ट स्पेस या गाइडलाइन ऑन कर दीजिएगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। उससे आपको ईजीली पता चल जाएगा कि आप कितने पिछली स्पेस पे और अगली स्पेस इक्वल है या नहीं। ये देखें यहाँ पे शो भी कर रही है वो कि पिछली और अगली स्पेस दोनों इक्वल है। छोड़ दें, सॉरी दोबारा से करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल अल्ट छोड़ दिया, अब कंट्रोल डी ओके, कंट्रोल डी जस्ट प्रेस करते जाए और उतनी ही स्पेस से इक्वल ही आगे वो बॉक्स रिपीट होता जाएगा जितनी दफ़ा भी आपने करना है। अब ये तो हो गया लेंथ वाइज, अब हम आते हैं विड्थ वाइज। सेम कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल अल्ट, इतना गैप दे दीजिए क्योंकि उतना ठीक लग रहा है। कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल अल्ट, इसी सेम प्रोसेस कंट्रोल डी आप करते जाएंगे तो एक पैटर्न बन जाएगा, बट कंट्रोल डी पे प्रेस करके आप भूल ना जाइएगा, ये ना वो आपके आर्टबोर्ड से ही बाहर चला जाए। ये हमारे पास एक पैटर्न क्रिएट हो गया। ये मोस्टली हम लोग इस तरह के जो पैटर्न हैं वो लोगो क्रिएट करने में यूज़ करते हैं कि वो इक्वली बन जाए। ये तो हमने कॉपी पेस्ट करना सीखा कि किस तरह आगे हम उसको इक्वली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बजाय हम उतनी उतनी स्पेस के गैप से खुद अंदाज़ा लगा के करे। सिंपल आपने उसको उतनी स्पेस में आगे निकाला एक बॉक्स को और कंट्रोल डी किया और वो एक सिंपल सा पैटर्न क्रिएट हो गया। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।